हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये मेरा फर्स्ट टिड्डा सा व्लॉग है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन तो करवा दूँ आप सबको। तो फैमिली में हम 6 मेंबर्स हैं, 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं विद मम्मी पापा। तो आज की रूटीन की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हमने वॉक की, और उससे पहले तो बताना भूल ही गई कि हमने सैरी भी की है। तो सैरी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, मैं सबके लिए पराठे बना रही हूँ। मैं पराठा बहुत कम खाती हूँ, तो उसकी कसर जो है ना सारी मेरी बहन ही पूरी कर देती है। वो इतने पसंद से पराठे खाती है ना, मुझे रोज़ कहती है मेरे लिए पराठा बनाओ पराठा बनाओ। और इतनी मोटी होती जा रही है ना, मैं उसको कहती हूँ कि अपना वज़न कम करो और पराठे कम खाओ। तो जब मामा पराठा बना रही होती है ना, मामा को पराठे नहीं बनाने देती। मामा प्लीज़ आप ही को कहें कि ना वही पराठा बनाए, वो अच्छा पराठा बनाती है, क्रिस्पी भी होता है, खाया भी जाता है, मज़ा भी आता है। वो मामा का बना हुआ पराठा इसलिए कम खाती हूँ क्योंकि मामा घी में हाथ हुला रखती हैं और मैं जो हाथ खुला रखती हूँ। अब मैं अपने लिए फ्राई अंडा बना रही हूँ। ओ अंडे की योग टूट गई, कोई बात नहीं, तोड़ के ही खाना है। लीजिए, मेरी फट से सैरी तैयार हो चुकी है। सैरी में वन ऑफ माई फेवरेट फ्राई एग, 7 आलू बैंगन की सब्ज़ी और 1 रोटी जिसके ऊपर मैंने मक्खन लगा लिया था। चलो जी, मेरी तो सैरी मुक गई है। सैरी के बाद मैंने थोड़ा सा सो लिया था। ओ थोड़ा सा नहीं, मैं 2 बजे उठी थी। कौन कौन रमज़ान में सैरी के बाद 2 बजे उठता है, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर हम मार्केट चले गए। वहाँ पे ना सिस्टर का दुपट्टा कलर करने के लिए दिया था, वही लेके आना था बस। बाकी तो हमने सारी शॉपिंग कर ली थी क्योंकि रमज़ान में मामा ने कहा इस दफ़ा हमने कोई शॉपिंग नहीं करनी, फिर इबादत नहीं होती हमसे। ये ना कलर करने वाले भाई के पास हम जब गए ना, तो उन्होंने हमें वैसे ही दुपट्टा हाथ में पकड़ा दिया। तो फिर हमने उनसे दोबारा कहा कि चले हमें शॉपर में तो डाल के दे, हम ऐसे ही एक दुपट्टा उठाते लेके जाएँ। फिर हमें याद आया कि हमने पीको करने के लिए भी दुपट्टे दिए हुए हैं, फिर वो भी हमने ले लिए। उसके बाद हम घर वापस आ गए। घर आके इतना मैं थक गई थी, हालांकि 2 ही शॉप पर गए थे रोज़े के साथ, मेरी फिर बस हो गई थी। आज 27वीं की रात है, तो फिर मामा ने कहा कि आज हमने ना इफ्तारी करवानी है नेबर्स की। इफ्तारी की मैं कोई भी वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि टाइम बहुत कम था और काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। एट अ टाइम ये थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई थी। इफ्तारी में मैंने पकौड़े, समोसे, चिप्स, क्रीम चाट, दही भल्ले ये बनाए और साथ तरबूज काट लिया। इफ्तारी और हम जामेश्री ने बनाया, ऐसा हो नहीं सकता। और साथ में मैंने आम की चटनी और इमली की चटनी भी बनाई थी जो बहुत मज़ेदार बनी। डिनर में मैंने बिरयानी बनाई जो बहुत मज़े की बनी, सबने बहुत ज़्यादा पसंद की। जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि आज 27वीं की रात है, तो फिर मैंने अपने लिए कपड़े निकाले, उसको प्रेस किया, तो ये मैं रेडी शेडी हो गई। तो मैंने मामा से कहा मामा मेरी थोड़ी सी वीडियो ही बना दे, तो फिर मामा ने मेरी वीडियो बना दी। उसके बाद मैंने ईशा की नमाज़ अदा की, फिर हम उसके बाद तस्बीह नमाज के लिए मदरसे चले गए। तस्बीह नमाज के बाद मैंने कुरान पाक पढ़ा, नवाफिल अदा किए। अल्लाह पाक आज के दिन के सदके हम सबकी दुआएँ कबूल फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।